अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन चिल्ली, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ के जी तक का चिकन ले लिया है। इसे कर लिया है अच्छे से वॉश और इसके पीसेस मैंने थोड़े छोटे छोटे करे हैं। आपके ऊपर है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा हड्डी वाला लिया है और थोड़ा बोनलेस लिया है। इसमें टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। एक टेबल स्पून मैदे का आटा इसमें हमने ऐड कर दिया है और दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का आटा, सिर्फ दो टेबल स्पून मैदे का आटा थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज्यादा, और एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे और दो टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला था, उससे मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और एक अंडा संभाल के, वरना छिलका भी इसमें चला जाता है। अलग से आप फोड़ के डाल दीजिए, वो बेहतर है। ये है वाइट पेपर, आधा टेबल स्पून वाइट पेपर मैंने इसमें डाला है। सफेद काली मिर्च बोलते हैं इसे। और उसके बाद कर लेंगे अपनी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, हो गया है अच्छे से मिक्स। अब हम इसे आधे घंटे के लिए बाहर मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हम सारी चिकन की पीसेस को गरम तेल में डालकर अच्छे से, आप चाहे तो थोड़ा सा कच्चा रखें, नहीं तो अच्छे से फ्राई कर ले, जैसे कि हो चुका हो फ्राई, ऐसा कर ले। इसे ज्यादा कच्चा ना रखें। थोड़ी देर पे हमें इसे ऊपर नीचे कर लेना है और अच्छे से फ्राई करके इसी तरीके से हमें सारे चिकन की पीसेस को निकाल लेंगे बाहर। देख सकते हैं आप लोग, देखिए चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से बस हमें सारे पीसेस को फ्राई कर लेना है। अभी जो बचा हुआ चिकन था उसे मैं इसी तेल में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। सारे चिकन की पीस हमारी फ्राई होके साइड में रख देंगे और फिर इसी तेल में हम जो तेल में मैंने चिकन को फ्राई किया, उसी तेल में ये शिमला मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कट किया है, ज़्यादा बारीक नहीं है, और कर लेंगे हल्का फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, थोड़ा कच्चा रखना है और फ्राई करके बस इसी तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। ज़्यादा मोटा पीस नहीं है, ज़्यादा बारीक पीस नहीं है, आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से पीसेस डालने चाहते हो शिमला मिर्ची के। और अब इसी तेल में हम कर देंगे प्याज को फ्राई, वो भी इसी तरीके से हल्की फ्राई करके निकाल देंगे। इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस चिल्ली में जिस तरीके से रहता है प्याज उसी तरीके से, देखिए बस इसी तरीके से अब चलाते हुए हम हल्का गोल्डन फ्राई करके बाहर निकाल देंगे इसे। हो गया, ये इसी तरीके से रहेगा, ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से हम निकाल देंगे। अब इसी तेल को हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे, तेल हमारा वेस्ट नहीं होगा। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, बारीक कटा है, या चॉप कर लीजिए या बारीक बारीक काट लीजिए, और हल्का सा इसे गोल्डन करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है और चार से पांच मिर्ची आप इस तरीके से कट करके इसमें डाल दीजिए और तब तक भूनिए जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। देखिए, मैं हाई फ्लेम पे नहीं बना रही हूँ, बस हल्का सा गोल्डन। अब हम इसमें रेड चिल्ली सॉस ऐड करेंगे,
रेड चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे। आपका जितना चिकन है उस हिसाब से आप सारी चीज़ें ऐड कीजिए। और अगर 2 टेबल स्पून आपने डाला है रेड चिल्ली सॉस तो 1 टेबल स्पून आप डाल दीजिए डार्क सोया सॉस और कर लीजिए अच्छे से मिक्स। मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, हाई फ्लेम मत कीजिएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद हम इसमें डाल देंगे खाने वाला नमक, वो भी आधा चम्मच, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाइनीज़ नमक हम डाल देंगे, अजीनोमोटो जिसे कहते हैं। और आधा चम्मच मैंने वाइट पेपर डाल दिया है, सफ़ेद मिर्च। अब इसमें हम फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई करके साइड में रखा था, और इसमें हम कुछ देर तक पकने देंगे। इसे कुछ देर तक भून लेते हैं चलाते हुए। देखिए पानी छोड़ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, जो पानी हमारा सब्जी ने छोड़ा है और मसालों ने। अब ये चिकन के साथ अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से चिकन में हमारे सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छे से, और इस तरीके से हमें इसे 4 से 5 मिनट तक का पकने देना है। और एक साइड में कुछ कॉर्नफ्लावर आटा और 2 कप पानी में हमें उसे अच्छे से घोल बना लेना है। और उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। अब जब हमारा चिकन पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का पानी, जिसकी वजह से वो हमारा गाढ़ा हो जाएगा चिकन चिल्ली, जिसको हम नान या रोटी के साथ खा सकते हैं अच्छे से। अगर आपको सिर्फ स्टार्टर की तरह खाना है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डालिएगा। मैंने इसमें अभी फूड कलर और ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो देखिए फूड कलर डालने के बाद कितना अच्छा कलर इसका हो गया है। बस ये डिश हमारी रेडी हो रही है। अब इसमें हम एंड में डाल देंगे हरा धनिया और प्याज, हरी प्याज कट करके। और कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और हमारा टेस्टी सा चिकन चिल्ली रेडी हो चुका है। करते हैं इसे सर्व गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ। इंशाल्लाह देखिए हमारी चिकन चिल्ली बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोग भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।